काम जो हमें करना है एक उम्मत की हैसियत से आज याद रखिए, जो अहम काम है वो है बैतुल माल कायम कीजिए ज़कात का। ज़कात पूरे इंडिया में मुसलमानों की दी जाती है, पूरे दुनिया में मुसलमानों की दी जाती है। कम से कम 2.5% उसका पैमाना है, कम से कम उसका निसाब 2.5 है। जो आपका माल दौलत जो आपके सेविंग्स होती है जिसमें साल गुजर जाए, साल से मुराद जो है 355 डेज, चूंकि हम लूनार कैलेंडर से चलते हैं तो 365 डेज नहीं, जिसपे 355 डेज अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, रफली 355 डेज गुजर जाए उस पर आपको 2.5% अपने सेविंग्स पर देना है। सेविंग्स पर याद रखें, इनकम पे नहीं है, सेविंग्स पर। और अगर खेती वगैरह है और पानी खरीद कर आप लेते हैं तो फिर 5% उसमें, और खेती पे साल पे नहीं, हर खेती हर बार हर फसल पर। और अगर ऐसी खेती है जिसको आसमान से बारिश डायरेक्ट बरसती और आ जाती है तो 10%, और अगर अल्लाह ज़मीन से कुछ दे देता है खजाना वगैरह तो 20% ज़कात। लेकिन 2.5 तो मिनिमम है, 2.5, 5, 10 और 20, ठीक है। तो बहरहाल 2.5 कॉमनली है, ये हम सुनते हैं इसलिए कि ये कॉमनली मैं और आप बिजनेस जो करते हैं या आजकल हमारा खेती से भी ताल्लुक बहुत कम होता है, तो बहरहाल 2.5 अगर उम्मत मुस्लिमा पूरी अपनी ज़कात निकाले और उसको एक बैतुल माल के जरिए सिस्टमेटिक डिसबर्स करे, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ एक दहाई में इस मुल्क से गरीबी ख़त्म हो जाएगी, एक दहाई में, डेकेड जिसको बोलते हैं, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हजारों करोड़ रुपए की ज़कात निकलती, कितने हजारों करोड़ की, लेकिन अफसोस की बात है बैतुल माल का ज़कात का बैतुल माल नहीं है, जिसकी वजह से हो रहा यह कि मेरी 5,000 ज़कात है, मिनिमम कह रहा हूँ 5,000 ज़कात। 5,000 ज़कात बोले तो कौन से आदमी की होंगी ये 5,000 ज़कात, जिसके पास 2 लाख रुपया सेविंग है, 1 लाख पे 2,500 रुपये हुआ, 100 पे 2,500 होता है, 1 लाख पे जो है 2,500 रुपये होता है, याद रखिए, समझ रहे आप, 10,000 के ऊपर जो है 2,500 रुपये होता है, याद रखिए। तो 25 जिसको हम कहेंगे 2,500 रुपया जो 1 लाख पे, तो 5,000 ज़कात मतलब 2 लाख की सेविंग पे ज़कात निकाल रहा है। तो अगर 2 लाख की सेविंग पे 5,000 रुपये वो ज़कात निकालता है और ये ज़कात को 50-50 रुपये करके 100 लोगों में तकसीम करता है, किसका फ़ायदा हो मुझे बताइए। अफसोस की बात है, आप उन लोगों के चेहरों को देखते हैं जिनकी नानी और दादी आपके पास आया करती थी, उनके उनके बच्चे और बच्चियाँ आपके पास ज़कात लेने आते थे, अब उनके पोते और पोतियाँ और नवासे और नवासियाँ ज़कात लेने आ रहे हैं। सवाल ये है कि वो 3 नस्लें क्यों ज़कात मांगनी है आपके पास, वो पहली नस्ल को आपने खड़ा क्यों कर दिया अपने पैरों पर, कि वो नानी को पैरों पर खड़ा कर दिया कि मेरी ज़कात 5,000 है, नानी को 500-500 या 50-50-50-50-50-100 लोगों को दिया, क्या फायदा हुआ, घर गए खाना खाया रमजान अच्छे से गुजर गए, घर गए कपड़े लिया रमजान की ईद अच्छे से गुजर गई, सुरखों में का सामान लिया रमजान अच्छे से गुजर गए, लिया जेब में डाला हफ्ते भर में पैसे खत्म हो गए। अगर हम वो सोचते कि औरत हमारे पास आई है 5,000 मेरी ज़कात है, ये साल इसको पूरी ज़कात देकर स्टेबल करूंगा, कि तुम्हें को हुनर फन आता है क्या, तुम जाओ को क्लासेस करो सीवन वगैरह की, सीख कर वो आओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक सिलाई मशीन दिला देता हूँ ये रमजान की ज़कात से, तुम वो ले लो और अपने आप को खड़ा कर लो, अगले साल ज़कात मांगने वालों में अपना शुमार ना करो। किया हमने ऐसा कुछ, ज़कातों को तो ऐसा तोड़ा, कुछ कुछ इलाकों में तो यह हाल है, ज़कात देना बोले बंद मुट्ठी देना है, छुपा के देना है, तो वो 5-5 रुपये 10-10 रुपये के सिक्के लाते हैं, मालूम है, वो कन्वर्ट करके पूरी ज़कात के 1 लाख की ज़कात सिक्के लाते और हर आने वाले का सिक्का उठाते झोली में डाल, सिक्का उठाए बोले समझ में नहीं आना हिसाब कितना दे रहे, बोले अरे वो साहबा वगैरह जो कितना दे रहे बोले तो सोने के अशरफ में उठा उठा के डाल रहे थे, वो ये 5-10 रुपये के सिक्के नहीं थे वो, और ऐसी अपनी ज़कातों को तोड़ के नहीं देते थे वो, वो जानते थे ज़कात का क्या निज़ाम और सिस्टम है, बैतुल माल के सिस्टम हुआ करते थे, क्यों भूल गए हमने वो सिस्टम। तो अगर एक औरत को आपने 5 एक वक्त दे दिया होता, हर साल आप एक फर्द को ज़कात की फहरिस्त में से निकालने वाले बनते, आज हमने नहीं किया। 10 लोग मिल जाते तो 50,000 की ज़कात उनकी जमा हो जाती थी, 5-5 हज़ार वाले 50,000 से अगर वो सिस्टम बना के कहते कि 5 लोगों की मदद ये साल करेंगे, ताकि ज़कात के नज़म से ज़कात के सिस्टम से ज़कात मांगने वालों में से 5 लोगों को हमेशा के लिए निकाल दे, तो आज उनकी नस्लें आपको दुआ देती होती और वो इस्टेब्लिश हो जाते, ये 5-5 रुपये 10-10 रुपये निकाल के 50-50 और 100-100 रुपये दे के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सलाम ठोके हमको कि भाई अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब ने 100 लोगों को देते हैं, लाइन लगी घर के बाहर हज़ारों लोग आ रहे, 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये, एक एक साड़ी एक एक कपड़ा एक एक तुवाल एक एक टुकड़ा एक एक खजूर का पैकेट दे रहे आप ज़कात की शक्ल में, तोड़ तोड़ के ज़कात को बर्बाद कर दिया। अगर बैतुल माल ज़कात का बन जाए ना, मैं आपको चैलेंज से कर रहा हूँ, इस मुल्क से गुर्बत हट जाएंगी, हज़ारों करोड़ की ज़कात जब चैनलाइज होंगी, अरे आप जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ देखते हैं ना, ये 20-20, 30-30, 40-40 करोड़ और 100 करोड़ से ऊपर की कंपनियाँ नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस मुल्क में चलती है, हमारी तो एक शहर की ज़कात, मैं आपको दावे से कहता हूँ, औरंगाबाद जैसे एक शहर की ज़कात 100 करोड़ से ज़्यादा निकलती है। सिस्टम नहीं है बस देने का, प्रॉब्लम ये इस्लाम के पास तो है, बैतुल माल का निज़ाम बनाइए मुसलमानों, उस ज़कात की ताकत को पहचानिए जो बैतुल माल के ज़रिए यूनाइटेड होकर दी जाती है, उसको मिला जुला कर दिया जाता है,
एक नज्म और सिस्टम के तहत दिया जाता है, जिसमें जब सिस्टम के तहत दिया जाता है एक फ़र्द को इतना दिया जाता है कि उसके मुस्तहक होने से निकाल दे। आप अगर 100 लोगों की मदद करते हैं एक मुंजुमला बड़ी ज़कात से और प्लान करते हैं कि 100 लोगों को हम निकाल देंगे ज़कात के सिस्टम से ताकि वो ज़कात मांगने वाले अगले साल ना रहे, तो मैं आपको दावा करता हूँ इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक एक आदमी को आप आज के दौर में 25 से 50 हज़ार की मदद कर दे एक साथ, वो ज़कात मांगने से निकल जाएगा। उस पर पूरा फुल्ली मॉनिटर करे, उसको देखे, उसकी देखभाल करे, उसको उस चीज़ में आगे बढ़ाए और ज़रूरत पड़े तो कुछ और मदद करे ताकि अगले साल तक हमने 5 लोगों को ज़कात के सिस्टम से निकाल दिया, मतलब ज़कात मांगने से निकाल दिया। ज़कात का एक निज़ाम क़ायम कीजिए, याद रखिए, और जो है गरीबों की उसके ज़रिए मदद कीजिए, रिफाही काम कीजिए उसके ज़रिए, मिस्कीनों की, बेवाओं की, यतीमों की मदद कीजिए, याद रखिए, और एक जो है एक मुश्त ऐसी मदद कीजिए कि लोग ज़कात के मांगने वाले ज़कात मांगना छोड़कर एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे। बैतुल माल का निज़ाम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सातवीं चीज़ जो वक्त की अहम तरीन अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताऊन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।